Hey guys, welcome back to channel. तो सोच रहे होंगे कहाँ आ गया यार, किस गली में आ गया। तो एक्चुअली बता दें तो ये आपका सिपाड़ा का गली है और आज आपको दिखाने आए कि जो सारा घर वर को तोड़ा जा रहा है वो तो कहाँ तक और कौन सा घर तोड़ा जाएगा। फिलहाल देखें कि यहाँ पे गांधी मूर्ति रखाया जाता था पहले, मतलब इस गांधी मूर्ति को यहाँ पे कर दिया गया और यहीं तक जो है वो मेन रोड रहने वाला है। और ये सामने जो आप घर देख रहे हैं, ये श्री कमल सत्तू वाला देख रहे हैं, तो सब टूटने वाला भाई साहब। बस कल या परसों के डेट में सारा टूट जाएगा। ये जो आप शंकर वस्त्रालय देख रहे हैं, ये भी टूटेगा। देखिए सब अपने अपना सामान जो है वो लेके अपने दूसरे जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि नोटिस दे दिया गया है कि 15 तारीख तक आप लोग सामान खाली कर लीजिए, उसके बाद जो है वो धाराशाही जो है वो होना शुरू होगा। देख रहे हैं जितना आप देख रहे हैं, ये वीवो का बोर्ड देख रहे हैं, भोला टेलीकॉम देख रहे हैं, सारा लोग अपना सामान जो है वो हटा चुका है। और ये सब घर जो टूटेगा, आप जो बड़ा वाला घर देख रहे हैं जिसमें आपका वीवो का बोर्ड लगा हुआ है, तो वीवो वाला बोर्ड भी जो है वो टूटेगा। और आगे भी बहुत सारा घर को तोड़ा जाएगा, अभी दिखाते हैं आपको, हर चीज़ दिखाते हैं और बहुत जल्द तोड़ा जाएगा। आज 16 तारीख हो गया और शायद ये वीडियो आप जब देख रहे होंगे, जब टूटेगा काम भी जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। वो जो आप देख रहे हैं येल्लो वाला नंबर 1 सीमेंट, वहाँ तक रोड जो है होने वाला है, उसके अंदर तक भी रोड जो है वो होने वाला है, क्योंकि जब स्लैब रखाएगा इस पर तो काफ़ी चौला हो जाएगा और चौला हो जाएगा तो बहुत सारा घर को जो है वो तोड़ा जाएगा, क्योंकि बहुत सारा घर जो इस रास्ते में आ जाएगा। और जिसका घर सरकारी ज़मीन में रहेगा उसको मुआवजा नहीं मिला है, और जिसका घर जो है वो नॉर्मल ज़मीन में है उसको मुआवजा मिला है। ये जो आप देख रहे हैं अशोक मेडिकल और ये जो आप देख रहे हैं श्री गणेश इंटरप्राइजेज, ये भाई साहब का भी शोरूम जो है वो टूटने वाला है। तो बहुत लोग का जो टूटेगा, देख रहे हैं सब अपना अपना बोर्ड हटा रहे हैं, सब अपना अपना ऐसे देखिए भाई साहब बोर्ड अपना हटा रहे हैं। ये दुलार्सन पैंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये ट्रांसफार्मर हो गया, ये भी हट जाएगा। तो काफ़ी डीप तक जो है वो रोड को लिया गया है तोड़ने के लिए। स्वयंवर का शायद ये गेट बच जाए, वरना इस पर चिन्हासी लिया होगा, देखिए चिन्हासी दिया हुआ है और वहीं तक उसका मेन रोड आएगा। जहाँ स्वयंवर का आप अभी गेट देख रहे हैं यहाँ तक आपका मेन रोड आएगा, क्योंकि देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 80 फिट इन, और यहाँ पे वो चिन्हासी भी दे दिया गया है कि यहाँ तक आपका जो है वो टूटेगा। देखिए इसलिए स्वयंवर जो है वो नया बाउंड्री वॉल कर रहा है। देखिए अंदर में स्वयंवर का नया बाउंड्री वॉल हो रहा है, क्योंकि ये बाहर वाला स्वयंवर का जो बाउंड्री है ये टूट जाएगा, इसलिए स्वयंवर के अंदर जो है वो नया बाउंड्री बनाया जा रहा है, देख रहे हैं। और ये जो पार्टी जोन देख रहे हैं ये भी टूटेगा, बिरयानी महल देख रहे हैं ये भी टूटेगा, स्वयंवर कम्युनिटी हॉल का भी जो है वो बाउंड्री टूटेगा। इस कारण स्वयंवर वाला कम्युनिटी हॉल जो है उसके अंदर एक नया बाउंड्री वॉल बनाया जा रहा है। देखिए आप साफ साफ आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि नया अंदर से एक नया बाउंड्री वॉल बनाया जा रहा है, क्योंकि स्वयंवर का ये आगे वाला जो आप देख रहे हैं जो अभी फिलहाल में प्रेजेंट में है ये टूट जाएगा। और वो जो आप देख रहे हैं प्रियांशु इंटरप्राइजेज वो नहीं टूटेगा, सॉरी कृष्णांशु, वहाँ तक जो है वो रोड रहने वाला है। तो तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है दुकान को हटाने की और तोड़ने की, क्योंकि भाई साहब नोटिस तो 15 तक ही था लास्ट डेट, और उसके बाद जो है वो अपना नगर निगम की टीम आएगी और बल के साथ आएगी, क्योंकि कुछ भी अनहोनी हो सकता है, घर का मामला है भाई, तोड़ने में कुछ भी हो सकता है और घर को फिर तोड़ा जाएगा। आज तो 16 तारीख हो गया, लेकिन शायद 17 या 18 तक जो है वो तोड़ने का काम शुरू कर दिया जाए। जिस तरीके से आपका मीठापुर में घर टूटा था, उसी तरीके से सिपाड़ा गुमटी पे भी घर टूटेगा, पटना महुली एलिवेटेड को लेकर, मीठापुर महुली एलिवेटेड रोड को लेकर 38 मकान को सिपाड़ा गुमटी पे जो है वो तोड़ने के लिए चिन्हित किया गया। जी हाँ, 38 मकान को तोड़ने के लिए चिन्हित किया गया है। गुमटी के इस तरफ ही टूटेगा, गुमटी के उस तरफ जो है वो नहीं टूटेगा। और ये जो आप सामने देख रहे हैं श्रीमती कावेरी सिंह का जो बैनर लगा हुआ है और संत माउंट कॉन्वेंट स्कूल का लगा हुआ बैनर, तो ये पूरा घर इनका टूट जाएगा, गुलाबी वाला देख रहा है ये। इनके घर के बगल में पिलर है, जब ये पिलर बना था उस टाइम भी इनका घर तोड़ा गया था, और पिलर पे जब स्लैब रखाएगा तो आप लोग को पता ही है कि स्लैब की चौड़ाई कितनी है, महुली तरफ आप लोग स्लैब देखे होंगे वीडियो में, तो जब स्लैब इस पर रखा जाएगा उसके बाद नीचे सर्विस रोड बनेगा तो पूरा घर जो है वो टूट जाएगा। ये सिपाड़ा गुमटी का भी नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, सारा घर जो है वो अभी टूटने वाला है, टोटल घर देख रहे हैं। अंदर से तोड़ने की तैयारी चल भी रही है, कई कई घर पे लोग अपने अपने बैनर्स को हटा रहे हैं, लोग अपने अपने बैनर्स को हटा रहे हैं, अपने बोर्ड को हटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मकान के नीचे जो है वो बहुत सारा दुकान है, वो सब को तोड़ा जाएगा। ये देखिए यहाँ दुकान वकान सब बंद कर दिया गया है। ये जो बड़ा वाला घर देख रहे हैं
ये घर को भी तोड़ा जाएगा। साहिल मार्ट इसमें था और ये वीवो मोबाइल का दुकान था, ये भी ख़त्म। और ये येल्लो वाला देख रही है तो खैर सरकारी जमीन था। और ये तो सिपारा लाइब्रेरी देख रहे हैं, इसका भी 10 फीट जो है वो झाड़ा जाएगा। और गांधी मूर्ति तो देख रहे हैं आप, ये गांधी मूर्ति यहाँ तक जो है वो रोड रहेगा, गांधी मूर्ति के पास तक। लोग अपने अपने सामान को हटा रहे हैं, देख रहे हैं सब लोग अपने अपने सामान को हटा रहे हैं, क्योंकि घर तोड़ने का जो नोटिस है वो आ गया है, ऑर्डर जो है वो आ गया है। ये वस्त्रालय वाला दुकान कपड़ा वाला है, ये भी टूटेगा। और जब पिलर बना था तो बहुत सारा धड्डी वड्डी को तोड़ा गया था, और अब जो है वो घर तोड़ने की बारी है। और फिलहाल गुमटी जो है वो गुमटी के पास जो है वो मिट्टी फिलिंग का काम चल रहा है। भाई साहब देखिए आप सामने मिट्टी फिलिंग का काम चल रहा है, यही आपका पिलर होते हुए सीधा चला जाएगा आपका मिठापुर तक। फिलहाल मिठापुर से सिपारा के बीच में कोई काम नहीं चल रहा है, जो भी काम चल रहा है सिपारा से लेकर मोहली के बीच में चल रहा है, और काफ़ी तगड़ा वाला काम चल रहा है। और इसी को लेकर जो है वो मकान को तोड़ने का नोटिस जो है वो दे दिया गया है, और सभी लोग अपने अपने मकान को तोड़ने के नोटिस के बाद अपने अपने सामान को हटा रहे हैं, देख रहे हैं सभी लोग अपने अपने घर को हटा रहे हैं, अपने सामान को हटा रहे हैं, जो भी बोर्ड लगा हो, और दूसरे जगह जा रहे हैं। मुआवजा हर किसी को मिल गया है, जिनका ज़मीन सरकारी ज़मीन में था उनको मुआवजा नहीं मिला है। जाहिर सी बात है जिनका सरकारी ज़मीन में रहेगा उनको मुआवजा क्यों मिलेगा, जिनका अपना ज़मीन है उनको मुआवजा मिलेगा। और वो सामने तक रोड रहेगा, वो सामने जहाँ से यू टर्न ले लेते हैं वहाँ तक रोड रहेगा। देख रहे हैं सब अपने सामान को ढो रहे हैं और रोड बनाने की तैयारी के लिए सारा घर को तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। ये वाला घर जो बहुत पुराना किराना दुकान है सिपाड़ा में, इनका भी टूटेगा, और ये भी अपना छत पे से तोड़ के यहाँ पे अपना फेंक रहे हैं। तो तैयारी ज़ोर शोर से कर ली गई है, बस इंतज़ार है तो जैसे भी आने का और तोड़ने का। तो देखें कि क्या तैयारी चल रहा है सिपाड़ा गुमटी पे। कई दुकान ऐसे भी थे जिन्होंने अपना सामान को हटाया नहीं था, और कई दुकान ऐसे भी जिन्होंने अपना सारा कुछ रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। उन लोग के लिए अच्छी बात है कि हटा दिए, जब तोड़ने के लिए आएगा तो उनको कुछ हानि नहीं होगा। लेकिन जो लोग नहीं हटा पाए उनको भी लास्ट मौका दिया जाएगा, एक बार और माइकिंग की जाएगी कि आप लोग अपना सामान जो है वो हटा लीजिए। और देख रहे हैं सिपाड़ा का गली भाई साहब कितना संकड़ा गली है और याद से नहीं, हम तो भाई 25 साल से ये गली देख रहे हैं और ये आगे भी यही रहने वाला है। बीच बीच में नाली भी है भाई साहब, तो बहुत डर लगता है। तो देखें कि आप लोग सिपाड़ा में जो है वो सामान लोग अपने अपने हटाने लगे हैं और सारा चीज़ खाली करने लगे, क्योंकि आने वाले एक या दो दिन में घर टूटना जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। चलिए ये वाला भी अपडेट आपको अच्छा लगा होगा, और जब ये घर टूटेगा तब भी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है वो अतिक्रमण हटाया गया है और घर तोड़ा गया है। अतिक्रमण नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो सरकारी ज़मीन में उसको अतिक्रमण कह सकते हैं, लेकिन जो उनका अपना ज़मीन है जिनको मुआवजा तक भी मिला है, 1-1.5 करोड़ रुपया मुआवजा तक भी मिला है सब लोगों को, जिन लोगों का खुद के ज़मीन में मकान था उन लोगों को 1-1.5 करोड़ रुपया दिया गया है सरकार की तरफ से। तो वो लोग अपना नया घर लेंगे, नया बनाएंगे। तो चलिए आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।